स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। दीदी मैं तैयार हो गया, आज भाई दूज है ना। भाई दूज? लेकिन डब्बू आज हम भाई दूज छोड़ ना, हम तो बहन दूज मना रहे हैं। तू तो हमारी तीसरी बहन है। दीदी कम से कम आज तो मेरी इज्जत मत उतारो ना प्लीज, मैं आपका इकलौता भाई हूँ डब्बू। मेरे लिए तो लेकिन तू डब्बा ही रहेगा। चोटू चपालू चो मेरा भाई। अच्छा चलो अपने भैया को तिलक लगाओ और उसकी आरती उतारो। आरती उतारेंगे? चल तेरी आरती उतारती हूँ, बैठो यहाँ पे। चलो अभी मेरी बारी पलट। तो अपना फर्ज अदा कर दिया, तेरा फर्ज कौन अदा करेगा? हमारा गिफ्ट? गिफ्ट तो है, आप लोग मुझे क्या समझते हो? मैं भी भाई होने का फर्ज निभाऊंगा, देखो। अरे ये देखो क्या लेके आया है। जीविका दीदी ये आपके लिए। खोलो खोलो जल्दी खोलो। दीदी खोलो जल्दी खोलो। बैग भी खोलो। बीजी कहती है कभी किसी को खाली बैग नहीं देना चाहिए, अब शगुन माना जाता है। इसलिए मैंने क्या किया आपको पता है? मेरे गुल्लक में ना पूरे 110 रुपए थे, जिसमें से 101 रुपया मैं इसमें डाल दिया। हाँ क्योंकि बीजी कहती है 101 रुपया शगुन होता है और शुभ भी होता है। और आपको पता है दीदी मैंने बैग में डालने से पहले 3 बार गिनती की है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। दीदी आपको पसंद आया गिफ्ट? सबका कहना है संग रहना है। तेरी भाभी ये तो वही सेट है ना जो ऐश्वर्या राय ने देवदास फिल्म में पहना था। हाय नहीं मैं तो अभी ले लेती, लेकिन की करूँ ना, मैंने वो करवा चौथ में देवदास वाला गेटअप लिया था ना, कितनी सोनी लग रही थी। अरे भाभी एक मिनट। अरे भैया आप कादम्बरी जो तुम्हें पसंद है वो बाद में लेना। वीरेन जरा यहाँ आओ ना, थोड़ी मदद कर दो हमारी। माँ आप देख लो ना, मैं थोड़ा सा बिजी। रहने दीजिए दीदी, जीविका के लिए गहने हम खुद ही पसंद कर लेंगे। जी मैं 5 मिनट फोन कर रहा हूँ। जी मैं फोन कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जी माँ कुछ कह रहे थे। मेरे भाई का शादी का कार्ड आ गया। ब्रेन वेद जीविका, नाइस कार्ड। देखो देखो बढ़िया। माँ
कैसा लगा भोपाल? वाओ ब्यूटीफुल। ये कार्ड देखो, ये लगता है वधेरा खानदान की शादी का कार्ड। खोले। थैंक यू। ऋषिकेश से कोरियर है। क्या आया है कोरियर से भाई? कार्ड है शायद। बाबूजी शादी का कार्ड है। ये कैसा कार्ड? हो सकता है ऋषिकेश में ऐसे ही कार्ड छपते हो। वैसे भी ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है ना? शादी एक फॉर्मेलिटी नहीं है वंशिका। स्वामिनी कार्ड के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बात कार्ड की नहीं है बाऊजी, ये कार्ड तो सिर्फ हम देख रहे हैं, लेकिन हम आगे की सोच रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे, कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि लड़की वालों से कोई कमी हो गई है। दीदी लेकिन उनसे इससे ज्यादा उम्मीद करना क्या ठीक है? तुम गलत समझ रही हो वंशिका, वो लड़की वाले हैं, उन पर शादी की तैयारियों का भार है, रस्मों रिवाज है, बहुत कुछ है। अगर हम उनकी मदद करते हैं तो उनका हाथ भी बढ़ जाएगा और सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। तुम्हारी सोच तो बिल्कुल ठीक है स्वामी, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मदद उन्हें बुरी लगे। आप चिंता मत कीजिए बाऊजी, हम जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होने देंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति की वजह से हम ये सब कर रहे हैं। और फिर ये शादी का मौका है, हम उनकी खुशी भी देखेंगे और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उन्हें किसी किस्म की चोट ना पहुंचे। ये कितना अच्छा कार्ड है, एकदम A1। ओए कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बाजार जा रहे हैं जीविका के लिए शादी का जोड़ा लेने। अरे वाह, मैं भी आपके साथ चलूंगी। रुको बीजी, मुझे भी जाना है आपके साथ मार्केट। चाचू चाचू प्लीज बीजी को समझाना, मेरे को लेके नहीं जा रही है। वैसे बीजी एक बात तो है कि अगर मन्नू साथ में आएगी ना तो कोई भी दुकानदार हमारा उल्लू नहीं बना पाएगा। क्यों मन्नू? ये बात है। चलो हेलो। हाय जीजू, कैसे हो? मानवी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप? मानवी जीविका है। हाँ, अरे वीरेन का फोन है क्या? मुझे दे एक मिनट। हाँ हाँ, मुझे दे बीजी ये लो। अरे वीरेन बेटा। नमस्ते बड़ी बीजी। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बड़ी बीजी इस बार के लिए सॉरी, मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार मैं आपको खुद लेने आऊंगा। ठीक है, देखो भूलना नहीं। हाँ बड़ी बीजी जीविका है। हाँ ले मानवी, जीविका को फोन दे। ओके हाँ जी जो एक मिनट ये लो दीदी। पहले 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 मैं। हेलो वीरेन बेटा, क्या चल रहा है? सब ठीक है ना? जी चाची सब चंगा, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे चाचा है या? वो भी बात करना चाहेंगे तुमसे। हेलो बात करो। चाचा हेलो वीरेन बेटा। नमस्ते चाचा जी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ चाचा जी, वीरेन का फोन है। हेलो वीरेन, कैसे हो बेटे? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ बीजी, बिल्कुल ठीक हूँ। नमस्ते। बस ये पूछ रहा था कि आप लोगों को कार्ड्स मिले कि नहीं। जी बीजी आज मिल गए थे, बहुत ही सुंदर है। थैंक यू। बीजी वैसे जीविका है? हाँ बेटे है, एक मिनट जी। हाय मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा था? नहीं। आप कंफर्टेबल तो है ना बात करने के लिए? आई मीन जी। तो फिर आपकी आवाज में घबराहट क्यों है? नहीं वैसे आपका कार्ड मिला था आज जी। हाँ ना जी, ये टेलीग्राम वाली भाषा क्या है? जा बेटा बाहर जा, आराम से बात कर।
जाओ ना दी, बाहर जाओ ना, बीजी बोल रही है। चलो अरे अरे हाँ जा, मेरे कमरे में वो लिस्ट रह गई है, ले आ। पर्स भी लाती हूँ। ठीक है चल हमारे साथ। इतनी मुश्किल से तो आपसे बात हुई, अब आप कुछ कहेंगी भी या ये सिर्फ वन वे ट्रैफिक है? नहीं, कैसे हैं आप? कुछ खास काम के लिए कॉल किया आपने? काम? क्या मैं हमेशा तुम्हें काम के लिए फोन करता हूँ? और वैसे भी तुमसे बात करने से ज्यादा खास क्या हो सकता है? और तुम्हारे लिए कभी-कभी तुम्हारी खामोशी में मुझे अपना जवाब मिल जाता है। वैसे शादी की तैयारियां कैसी चल रही? बहुत अच्छी। पीजी थोड़ी परेशान रहती है शादी को लेकर। मम्मी पापा के बाद पीजी ने मांगी और मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं समझ सकता हूँ। कभी-कभी हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो माँ बाप से भी ज्यादा खास होते हैं। वीरेन जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बात का कभी कोई बुरा माना मैं? आप अपने मम्मा और बुआ में मेरा मतलब है आप अपने बुआ से ज्यादा क्लोज है ना? बिल्कुल ठीक समझा तुमने। मैं बड़ी माँ के बहुत करीब हूँ, बचपन से लेके आज तक उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है। जब विराट उन्हें बहुत छोटे थे तब पापा चले गए थे, वहाँ बेचारी अकेली थी, वो ऐसी हालत में मुझे देखती या विराट का ख्याल रखती, तो इसलिए बड़ी माँ ने मेरी माँ की कमी पूरी की है। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ मुझसे और मैं उनसे, और शायद इसलिए वो मेरे लिए माँ से थोड़ी बढ़कर है, और इसलिए मैं उन्हें बड़ी माँ भी कहता हूँ। प्रेम जी आप बहुत लकी हैं, आपके पास एक नहीं दो दो माँ हैं। मेरी मम्मा तो बहुत लकी है वीरेन जी। हमारी बातें तो कभी खत्म नहीं होगी, कुछ बातें हम कल के लिए भी छोड़े। कल के लिए? बेसिकली आप चाहते हैं कि मैं आपको कल भी फोन करूं। बाय, अपना ख्याल रखिएगा जी। आप भी बाय। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। आप इसे देखिए। अरे वाह, ये साड़ी जीविका पे बहुत अच्छी लगेगी, कितनी चंगी है ना? चंगी तो है। दी देखो ना, आज मेरे गुड्डी की शादी है, कैसे लग रही है ये? वो तूने इसे हरा रंग क्यों पहनाया? दुल्हन का रंग लाल होता है, मेरा फेवरेट। जब मैं दुल्हन बनूंगी तो मेरे शादी के जोड़े का रंग लाल ही होगा। ये लाल साड़ी मुझे ये पसंद है बीजी। अरे ये भी बहुत अच्छी है, कितने की है भाई साहब? ये 11,500। दुकान का रेट नहीं पूछ रही हूँ, साड़ी का रेट पूछ रही हूँ। वही है जी। स्टूडेंट कंसेशन कितना? अरे नहीं जी, ये स्पेशल आइटम है, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। आप देखिए तो कारीगरी तो देखिए, हाथ का काम किया हुआ है। एक ही पीस बचा हुआ है, इसमें कोई भाव नहीं करेंगे हम। ओ तेरी, इतनी महंगी साड़ी, और वैसे भी ना ये कोई खास अच्छी साड़ी नहीं है, दूसरी कोई देख ले। ओ, ये वाली साड़ी। माधवी बेटा, एक साड़ी पसंद कर ली है ना, तो दूसरी देखने की क्या जरूरत है, पैक कर दीजिए। बीजी थैंक यू। बीजी स्वामिनी जी का फोन है, आप बात करेंगे? हेलो स्वामिनी जी। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है जी, शादी की तैयारियां चल रही हैं, इसीलिए हमने फोन किया है। बाऊजी कह रहे थे कि आपसे बात करके हम पूछ लें कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। वैसे हमने कुछ फंक्शंस की लिस्ट भी बनाई है। हम माता की चौकी से शुरुआत करना चाहते हैं, फिर मेहंदी की रस्म है, संगीत है, हल्दी है, चूड़े की भी रस्म होगी। इसके अलावा कोई और रस्म होगी तो हम आपको बता देंगे। वैसे
हम सोच रहे थे कि शादी के लिए अब ज्यादा दिन बाकी नहीं है और आप अकेले इतना सारा इंतजाम कैसे कर पाएंगी। हम चाहते हैं कि हम आपकी मदद कर दें। नहीं नहीं स्वामी जी, आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप ठहरे लड़के वाले। हम तो लड़की वाले हैं, हमें तो ये सब लड़के वाले हैं तो क्या हुआ? अब तो दोनों परिवार जुड़ने जा रहे हैं, isn't it? आप चिंता मत कीजिए। हाँ, हम एक ड्रेस डिजाइनर भेज रहे हैं। डिजाइनर? जी, जीविका के कपड़े डिजाइन करने के लिए। रोहित वर्मा नाम है डिजाइनर का। आप जीविका से भी जरूर कह दीजिएगा। जी, शुक्रिया। ठीक है, नमस्ते। पीछे वाले भैया तो इतना सस्ता दे रहे। हेलो हेलो जी, बोलो मिस्टर चेप, आज फिर टांग खींच के लंबी करने का इरादा है? यार भगवान ने तुम्हें सिंह दिया क्या? हमेशा फिरने के लिए रेडी होती हो। वो एक्चुअली मैंने तुम्हें सॉरी कहने का फोन किया था। सॉरी? और तुम बीमार हो? बीमार नहीं हूं और माहौल भी एकदम ठीक है। आखिरी बात क्या है ना, अगर तुम उस दिन सीरियल की तरह मोटे मोटे आंसू ना बहाती ना तो सबके चेहरे में खुशी नहीं होती। और तुम्हारी वैसे भाई और भाभी एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, उसके लिए थैंक्स। थैंक्स बोलने के लिए थैंक्स, और मेरी तरफ से भी थैंक्स। थैंक्स? और तुम बीमार हो गया? नहीं, बीमार नहीं हूँ और माहौल भी बिल्कुल ठीक है। वैसे उस दिन दी और जीजू के बीच में पैचअप कराने का प्लान तुम्हारा ही था ना, उसके लिए थैंक्स। ओह, ये चैनल कब से बदल गया बस? एक और चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं तुम्हें। हाँ बोलिए। हम सिंपल लोगों के बीच में इतना हाईफाई डिजाइनर भेजने के लिए। अच्छा? स्वामी जी का फोन आया था, वो उन्होंने किसी रोहित वर्मा नाम के डिजाइनर को भेजा दी के लिए। वो? अच्छा अच्छा अच्छा, अब आएगा मजा। मजा क्यों? घर जाओ, खुद पता चल जाएगा। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट क्यों? लेकिन हेलो, अब कौन सी घंटी बजा रहे हो भगवान? अरे रुको, आ रहा हूं। ये रे बेटा, तेरा स्पाइक है। आउच। और ये गया आपका घोड़ा। विराट भैया, कितना अच्छा लगता है ना जब घर में बच्चों की शादी होती है। अब अगली शादी आपकी। एक काम करते हैं, अगली शादी तेरी करवाते हैं, ठीक है ना? फिलहाल अभी तेरी क्वीन गई और चेक। और ये गई आपकी रानी, अब ये आपको चेक और मैट। कैसे किया तूने? जल्दबाजी में फैसला करोगे विराट तो हार के सिवा कुछ भी हाथ में नहीं आएगा विराट, ना शतरंज में ना असली जिंदगी में। जरूरी नहीं कि लाइफ में हर चीज को हारा जीत में तोला जाए। जिंदगी में हारा हुआ इंसान तुम्हारी तरह ही बात करता है। हारने पे सलाह देने से बेहतर होता अगर आप मुझे हौसला देते तो शायद मैं अपनी हार को जीत में। विराट भैया, एक और गेम खेलते हैं ना? काम कर बेटा, तू दादाजी के साथ खेल, वो तेरे को भी हरा देंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।